दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक्सेल फाइल को पीडीएफ बनाते हैं तो उसके रो कॉलम हट जाते हैं, शो नहीं होते, लेकिन एक्सेल फाइल में ये शो होते हैं। जैसे कि हम इस फाइल को खोलते हैं तो इसके अंदर जो रो कॉलम होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर वो डाल भी देते हैं रो कॉलम को, यहाँ पर शो होते हैं, लेकिन जब भी पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो रो कॉलम हट जाते हैं, शो नहीं होते, ब्लैंक ब्लैंक आता है, डाटा दिखाई देता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसका शॉर्ट आउट क्या है, आखिर हम ऐसा क्या करें ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर। तो मैं दोस्तों ये बता दूं ये प्रॉब्लम क्यों होती है। दोस्तों क्या होता है, एक्सेल फाइल दो तीन जगह जाती है, या कह सकते मेल पे आ रही है, या कहीं आप सेंड कर रहे हैं वहाँ से आ रही है, आपने खुद नहीं बनाई, या कंप्यूटर में काफ़ी दिनों की पड़ी हुई है, इधर उधर आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो उसकी सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, उस वजह से आपके एक्सेल फाइल में रो कॉलम दिखाई देते हैं, जब आप उसकी पीडीएफ बनाएंगे तो रो कॉलम हट जाते हैं, है ना, पूरी तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको डाटा कॉपी करके अदर फाइल में करना होगा, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि फाइलें करप्ट हो जाती है, तो वो करप्ट के इशू में ही आ जाता है, सेटिंग भले ही आपने ठीक ठाक कर ली हो फिर भी वो इशू बना ही रहता है। तो आपको करना क्या है, जितना भी आपको डाटा रखना है वो आप रख लीजिए, जैसे कि मुझे ये चाहिए कॉलम में नहीं आ रहे, तो इतना आपको कॉलम को कॉपी कर लेना है, अगर पूरा करना है तो पूरे को आप कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बट डाटा आ गया आपका। अब आप पीडीएफ बनाएंगे, कुछ भी फाइल बनाएंगे, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बस आपको यहाँ पर फिर पीडीएफ बना लेना है, या कोई भी कुछ बनाना चाहे वो बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर सेविस, और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप, और यहाँ पर कर देते हैं पीडीएफ, है ना, यहाँ पर रख देते हैं पीडीएफ एक्सेल फाइल, ठीक है, और सेव कर देते हैं। बस आपको ये करना है, पुरानी फाइल से डाटा को रिमूव कर देना, हटा देना, या कॉपी कर लेना, डाटा रहेगा, हटाने नहीं है आपको, हटाना नहीं है। देखो ये डाटा ये था, हमने केवल कॉपी किया है और न्यू फाइल बना ली है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पीडीएफ यहाँ पर आसानी से बन जाएगी, ये देखिए ना। अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आपके पास डाटा है और आप उसकी पीडीएफ बना रहे हैं और रो कॉलम हाइड हो रहे हैं या हट रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि एक न्यू फाइल लेनी है, जैसे कि हमने ली, और न्यू फाइल लेने के बाद डाटा को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और फिर फाइल को सेव करके रख लेना है। फाइल करप्ट हो जाती है, या मेल से आ रही है, या किसी को सेंड कर रहे हैं कहीं से आ रही है, तो इस वजह से फाइल में प्रॉब्लम हो जाती है, या कह सकते हैं सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक करने पर भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। बस आपको न्यू फाइल लेनी है और डाटा को कॉपी पेस्ट करना है, फिर आप करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की और हेल्पफुल के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, टेंशन, बाय बाय।